Assalamu alaikum, here is Arshia Manohar from MSCS Fourth Semester, student at University of Sialkot. And my website is Gandhara University, Peshawar, Pakistan. हम सब पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली अपने प्रेजेंटेशन को डिफाइन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन. नेक्स्ट इज ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन. जब कोई प्रोडक्ट लाइक कोई वेबसाइट या कोई मोबाइल ऐप जो यूजर यूज करता है तो उसका एम ये होता है कि यूजर उससे कुछ एक्सपीरियंस ले, मीन कि वो इजीली अंडरस्टैंड हो यूजर को. तो उसके लिए जस्ट वेबसाइट का गुड लुक ही होना मैटर नहीं करता, उसकी उसकी यूजबिलिटी भी होनी चाहिए कि यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड करके अपना वर्क कर सके, उसके ऊपर इजीली समझ सके. उसके लिए जो ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन उसको एवैल्यूएट किया जाता है. ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएशन में जो है वो जैकब नेल्सन ने जिसके 10 पॉइंट्स जो है 10 प्रिंसिपल्स दिए प्रोवाइड किए जिसकी बेस के ऊपर जिसकी बेस पे ह्यूरिस्टिक एवैल्यूएट एक वेबसाइट पे अप्लाई की जाती है. उसके 10 प्रिंसिपल्स जो है वो ये हैं जिसकी बेस पे हम एक वेबसाइट को अवेलुएट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस. विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस में ये होता है कि गूगल को बताया जाए कि वो उस टाइम ऑनलाइन ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर रहा है, वो उस टाइम कहाँ पे मौजूद है, ताकि उसको अंडरस्टैंड हो सके इन चीज़ों के बारे में. नहीं तो यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि वो इस टाइम क्या परफॉर्म कर रहा है, नेक्स्ट क्या होगा. जैसे कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है कि डाउनलोड हो रही है फाइल जो है अपलोड हो रही है फाइल, लेकिन ये जो उसको पता है कि वो इतने पॉइंट तक हो गई है, इतने पॉइंट रह गए हैं. अगर ये विजिबल ना हो तो यूजर के लिए मुश्किल होगा कि सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए. स्टेप वगैरह जो है ऑनलाइन फॉर्म यूनिवर्सिटी के ऊपर गिवन है, लेकिन उसके ऊपर जस्ट परसेंटेज गिवन है. इसका प्रॉब्लम यही है कि जस्ट परसेंटेज गिवन नहीं होनी चाहिए, इसकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन होनी चाहिए ताकि यूजर को इजीली अंडरस्टैंड हो सके कि उसने अपनी बैंक डिटेल फिलफिल कर ली है, उसने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट किया है, नेक्स्ट उसकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी. इसका सबसे लेवल 3 है और रिकमेंडेशन ये है कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो है स्टेप विजार्ड की भी गिवन होनी चाहिए. नेक्स्ट जो इशू है वो फॉर्म फिल करते हुए यूजर को पासवर्ड की रिक्वायरमेंट के उसको पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यूजर नेम कैसा होना चाहिए, ये रिकमेंडेशन नहीं दी जाती. जब वो फॉर्म फुलफिल कर देता है, सबमिट पर क्लिक करता है, तब एरर उसे दिए जाते हैं. उसका जो सारा उसने डाटा लिखा है फॉर्म के तो वो डिलीट हो जाता है. सो यूजर जब डाटा एंटर कर रहा हो, पासवर्ड एंटर कर रहा हो, यूजर नेम एंटर कर रहा हो, उसके साथ साथ नीचे रिकमेंडेशन आनी चाहिए कि आपका यूजर नेम इतना होना चाहिए, आपका पासवर्ड कितने होना चाहिए. सिविल ट्रैवल इसका 3 है एंड रिकमेंडेशन इसकी है कि उसके यूजर नेम और पासवर्ड में गिवन हो रिक्वायरमेंट. एंड ये भी विजिबिलिटी का एक स्टेप है जिसमें ये चीज देखी. नेक्स्ट पॉइंट इज मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड, मीन के सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड को देखना होगा, ये सेम ही होने चाहिए. मीन के यूजर जो लैंग्वेज समझता है, जो अंडरस्टैंड कर सकता है, जो चीजें उसको समझ में आती है वो भी गिवन हो वेबसाइट पे. वेबसाइट जब वेबसाइट पे गिवन होगी लैंग्वेज लाइक वो इंग्लिश इजी वर्ड को देखता होगा तो उसको ऐसे ही लैंग्वेज गिवन हो तो उसको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, ऐसी ही चीजें हो तो वो इजीली अंडरस्टैंड करे. एंड माय वेबसाइट में ये चीजें मैंने देखी है तो ये टोटली अप्लाइड वेबसाइट पे हो रही है. उसके आइकॉन्स, फोल्डर्स, नोटिफिकेशन जो है सारे टोटली वर्क कर रहे हैं. टेक्स्ट इजीली अंडरस्टैंड है, करेक्ट कैटेगराइज नेमिंग ठीक है, व्हाट यू से व्हाट यू गेट भी अवेलेबल है. इनको जो आप वहाँ पर चाह रहे हो, आपने वहाँ पर क्लिक किया लिंक पे तो वही ही आपको वहाँ पे गिवन है. तो ये मैच बिटवीन सिस्टम एंड द रियल वर्ल्ड में ये 4 पॉइंट्स ही देखे जाते हैं वेबसाइट में. तो ये मेरी वेबसाइट के ऊपर करेक्टली. थर्ड पॉइंट इज यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम. यूजर कंट्रोल एंड फ्रीडम में देखा जाता है कि यूजर को इतना कंट्रोल और फ्रीडम दिया जाए कि यूजर इजीली अपनी मर्जी से एक्शन परफॉर्म कर सके, वेबसाइट को यूज कर सके. मीन कि अगर वो किसी पेज पे चला गया है तो उसको पीछे बैक पे आने का एक बटन दिया जाए कि उससे बैक पे आ जाए, वो अनडू कर सके अपने टेक्स्ट को अगर उसने गलती से डिलीट कर दिया है या अगर उसे पीछे वाला टेक्स्ट चाहिए. तो इसमें यूजर को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना ईज, इतना फ्रीडम देना चाहिए को इजीली अपने
इशू ये है कि कुछ पेजेस के ऊपर, कुछ लिंक्स के ऊपर सेम नेविगेशन है, सेम होम बटन अवेलेबल है, लेकिन कुछ पेजेस ऐसे हैं, कुछ लिंक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर होम बटन नहीं है, जिससे यूजर बैक पे नहीं जा सकता। जैसे फर्स्ट पेज में ब्लू सर्कल किया, उसमें हर पेज के ऊपर, हर लिंक के ऊपर होम बटन अवेलेबल है, जिससे यूजर इजीली वापस आ सकता है, बैक आ सकता है। लेकिन जो सेकंड लॉगिन फॉर्म है, इसके ऊपर बैक बटन नहीं है, जिससे वो वापस आ सके। तो इसका सिक्योरिटी लेवल 3 है, रिकमेंडेशन ये है कि हर पेज के ऊपर होम बटन लाजमी होना। नेक्स्ट ये है कि इस यूजर कंट्रोल फ्रीडम में हम देखते हैं कि सर्च ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वो सर्च करके दे रहा है कि नहीं। सो माय वेबसाइट, ऑन माय वेबसाइट सर्च ऑपरेशन अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ भी सर्च नहीं कर रहा है। इसका सिक्योरिटी लेवल 4 है, और इसका सर्च ऑपरेशन ऑपरेशन मस्ट बी प्रॉपर वर्किंग में होना। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूरिस्टिक वैल्यूएशन का, जिसमें देखा जाता है कि वेबसाइट का स्टैंडर्ड सेट किया जाए, कि यूजर जो है वो कंफ्यूज ना हो, मीन कि उसकी को एक कंसिस्टेंसी हो। लाइक अगर आपने एक पेज के ऊपर एक बटन बनाया है, या दो बटन बनाया है, जो डिजाइन बनाया है, जो कलर बनाया है, वो हर होम पेज के ऊपर या हर इनर पेजेस के अंदर भी वैसा ही क्राइटेरिया, वैसा ही कलर स्कीम, वैसे ही फॉन्ट साइज वगैरह सब कुछ वैसा ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि होम बटन, होम पेज के ऊपर आपने कलर स्कीम और फॉन्ट साइज एंड सारा नेविगेशन वगैरह वो चेंज रखी है, और इनर पेजेस के अंदर बिल्कुल चेंज है। सो इट इज नॉट गुड। सो कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड में एक कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। इसमें देखा जाता है हाइपरलिंक अंडरलाइन है, हायरार्की नहीं है कि नहीं है, लेआउट पोजीशनिंग नेविगेशन स्टैंडर्ड वो भी हाइपरलिंक वगैरह में हम देखेंगे कि आपका जो हायरार्की जो गिवन है, डिपार्टमेंट के आगे डिपार्टमेंट ही गिवन है, फैकल्टी के आगे फैकल्टी ही गिवन है। ऐसा तो नहीं कि फैकल्टी के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर फैकल्टी है। लेआउट पोजीशन नेविगेशन स्टैंडर्ड में ये देखा जाएगा कि इनर पेजेस के ऊपर भी होम पेजेस की तरह नेविगेशन की है, कलर स्कीम का भी डिफरेंट, वो सब कुछ सेम ही जा रहे हैं। कि मेरी वेबसाइट पे देखा गया तो नेविगेशन जो है इनर पेजेस और होम पेजेस की डिफरेंट है, कुछ पेजेस की एक जैसी नेविगेशन और कुछ की डिफरेंट, उनकी कलर स्कीम भी डिफरेंट है, उनकी नेविगेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे जो ऊपर स्क्रीनशॉट मैंने लगाया हुआ, उसके ऊपर होम और एप्लीकेशन का सिर्फ नेविगेशन में दिया हुआ है, एंड जो नीचे है स्क्रीनशॉट, उसमें प्रॉपर एक नेविगेशन दी गई है। कुछ लिंक्स के ऊपर ऐसे है, कुछ के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसकी रिकमेंडेशन सिवेटी लेवल से रिकमेंडेशन ये है कि सब पेपर्स की, सब पेजेस की एक जैसी नेविगेशन होनी चाहिए, जो कि होमवर्क नहीं वर्क कर रहा। करने की। नेक्स्ट ये है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर गिवन है, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी उसके ऊपर एरर आ रहा है। तो इसका सिक्योरिटी लेवल जो है वो 2 है, और लैंग्वेज शुड बी वर्क दैट इज मेंशन ऑन होम पेज, ताकि कोई भी यूजर जो कि लैंग्वेज से नहीं समझ सकता, वो लैंग्वेज यूज कर सके और अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज एरर प्रिवेंशन। एरर प्रिवेंशन में जब कोई यूजर जो है, फॉर एग्जाम्पल कोई यूजर यूज कर रहा है वेबसाइट, तो उसके कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो वो उसको कैसे सॉल्व करे, कैसे सॉर्ट आउट करे, आप कैसे उसे सजेशन देंगे कि वो उसका ये इशू आ रहा है, वो उसको इस तरह सॉर्ट आउट कर सकता है। तो एरर प्रिवेंशन में ये चीज देखी जाती है कि अगर यूजर से मिस्टेक हो गई है, तो एरर को किस तरह ठीक करे, और आप किस तरह उसको सजेस्ट कर रहे हैं उस एरर को ठीक करने के लिए। इसमें हम देखेंगे वेबसाइट के ऊपर जो एरर शो हो रहा है कि नहीं। तो देखते हैं, तो फर्स्ट के शॉट में मेरी वेबसाइट के ऊपर बैंक डिटेल हमने जब पुट नहीं की, तो उसने एरर शो किया है कि उसके ऊपर जो आपने बैंक डिटेल नहीं पुट की, ये ब्लैंक आपने टैब छोड़ दिया। नेक्स्ट ये अगर डायनेमिक फॉर्म वैलिडेशन भी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जब अगर ईमेल एड्रेस के अंदर या पासवर्ड के अंदर वो कुछ पासवर्ड अगर फॉर एग्जाम्पल उसने गलत लगाया, तो सबमिट पे क्लिक करेगा तो उसको बताएगा कि पासवर्ड आप अपना इसी क्राइटेरिया के मुताबिक सेट करें। और अगर ईमेल एड्रेस के ऊपर वो कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल एड लगाना भूल गया है, एड रेट लगाना भूल गया, तो वो एरर शो करेगा कि आपने एड रेट जो अप्लाई नहीं किया इसके ऊपर।
नेक्स्ट पॉइंट इज रिकग्निशन रादर देन रिकॉल. इसमें देखा जाता है कि यूजर को अपनी मेमोरी ज्यादा यूज ना करनी पड़े, तो इजीली अंडरस्टैंड कर सके कि उसे क्या चाहिए वो गेट कर सके. फॉर एग्जांपल कि अगर यूजर को एक फॉर्म के ऊपर मोबाइल नंबर लिखना हो या यूजर नेम लिखना हो, तो फॉर्म के ऊपर नीचे हाईलाइटेड टैब में लिखा हो कि यहाँ पर आप यूजर नेम लिखें, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड पुट करें और मोबाइल नंबर पुट करें, तो इसीलिए अंडरस्टैंड कर सकेगा. जैसे कोरा में अगर यूजर जस्ट एक वर्ड लिखेगा तो उसके नीचे रिकमेंडेशन आ जाएंगे कि आपको ये लेना है, आपने ये सर्च करना है, तो ये इजीली अंडरस्टैंड है. इसमें एक्स्ट्रा हर्डल को अवॉइड करता है कि ज्यादा रश नहीं होता, मेन मेन चीज जो सामने आ जाती है वो एक क्लियर डिस्प्ले बन जाता है, डिजाइन बन जाता है. मेरी वेबसाइट पे जो भी कैटेगराइज थी वहाँ वो भी फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट के वेबसाइट इतनी फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंट होना चाहिए कि यूजर इजीली उसे समझ आ जाए कि वो कहाँ पे है, क्या चीज चाहिए. क्योंकि जो वेबसाइट है वो किसी भी एज का यूजर जो है वो यूज करेगा, उसको इजीली अंडरस्टैंड हो और इतना एफिशिएंट हो कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके चीजों को. अगर इस वेबसाइट पे देखा जाए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देखा जाए, उसके हर लिंक जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन ठीक है, उसके जो मतलब के इंफॉर्मेशन लाइक तो वो अंडरस्टैंड हो रहा है कि इसमें ये चीज गिवन होगी, उसमें ये चीज डिपार्टमेंट में ये चीज है, स्टूडेंट्स में ये चीज है, फैकल्टी में ये चीज है, फैकल्टी के अकॉर्डिंग है, तो वो चीजें यूजर को समझ आ जाएंगी. जब फैकल्टी में जाएगा तो उसको वो चीज मिलेगी, डिपार्टमेंट में जाएगा तो उसे क्या चीज मिलेगी. नेक्स्ट ये क्या अगर उसको कैंपसेस के बारे में भी इजीली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. स्टार्टिंग में सब स्टार्टिंग मेन पॉइंट पे सब कैंपसेस सब मेन दिए हुए हैं यूनिवर्सिटी के. ट्रैवलिंग जगह मस्ट बी शॉर्टकट चीज, यहाँ पर शॉर्टकट की क्लास भी मिल जाएगी. वेबसाइट पे कहीं भी शॉर्टकट की यूज नहीं हुई, इस वजह से यूजर को डिफिकल्टीज पेश आ सकती हैं कि वो अपनी कई इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं गेट कर सकेगा. तो इसकी सेवरिटी लेवल 1 है. रिकमेंडेशन ये है कि शॉर्टकट की होनी चाहिए, जिससे अगर यूजर पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, वो समझ नहीं आ रही, वो शॉर्टकट की तो देख के इसीलिए अंडरस्टैंड कर सकेगा इस पॉइंट को. नेक्स्ट पॉइंट इज एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिजाइन. इसमें ये देखा जाता है कि यूजर को जस्ट वो चीज दिखाई जाए जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो. ज्यादातर ज्यादा नॉइजी डाटा, ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा जो नॉइजी डाटा वो वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए कि यूजर को मेन ऑब्जेक्टिव समझ में ना आए. सो उसका जो होम स्क्रीन का जो लुक है वो ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर सिर्फ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो. जैसे गूगल का पेज है वो एक दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट इंटरफेस है, जिसमें आप एक क्यूरी लिखते हैं और वो सर्च हो जाती है, सर्च बन जाता है. तो एस्थेटिक मिनिमलिस्ट डिजाइन में ये देखा जाता है कि सिस्टम जो है वो सिंपल एंड. नेक्स्ट ये देखा जाए तो मेरी वेबसाइट पे जो है वो बहुत ज्यादा नॉइजी डाटा है, क्लियर डिजाइन नहीं है, होम स्क्रीन पे बहुत ज्यादा डाटा है कि इजीली आपको बहुत ज्यादा ढूंढ के आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो मिलेगी. तो उसका 70 लेवल 4 है. ये नॉइजी डाटा कम होगा तो ही यूजर इजीली वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सकेगा. नेक्स्ट पॉइंट हेल्प यूजर रिकॉग्नाइज डायग्नोज एंड रिकवर फ्रॉम एरर. इसमें देखा जाता है कि एरर मैसेज जो है वो डिजाइन किया जाए, मीन के यूजर को गाइड किया जाए. हर यूजर जो अब एक्सपीरियंस नहीं होता उसको पता होता है, उसको बताना पड़ता है कि उससे ये प्रॉब्लम हुई है, उससे ये इशू हुआ है और उसको इस तरह उसने सॉर्ट आउट करना है. तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर एरर मैसेज गिवन है कि जब अपने मार्क्स यूजर पे एलिजिबल करता है यहाँ पे, तो वो वहाँ पर ऊपर आ जाता है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल. अगर वो करेगा देन वो नेक्स्ट पॉइंट पर जाएगा. स्टेटस स्क्रीनशॉट में भी बताया हुआ है कि जो उससे एरर आ रहा है वो गिवन है कि आपसे ये एरर आ रहा है, तो आप ये सॉर्ट आउट करें इशू. लास्ट पॉइंट हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन. इसमें देखा जाता है कि यूजर जब भी कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐप यूज कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई ऐसा होता है इशू जिसको उसी टाइम पे सॉर्ट आउट करना पड़ता है.
उसको आई मीन के ज्यादा क्राइटेरिया से नहीं पता होता कि वो किस तरह इसको सॉर्ट आउट करे। तो वेबसाइट के ऊपर ऐसा जरूर डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसा हेल्प मटेरियल होना चाहिए जिससे यूजर उसी वक्त को देख के वो समझ सके और उसको इजीली यूज कर सके। जैसे अगर तो कोई भी कांटेक्ट नंबर वहां पे दे दे के वो अप्रोच कर सके यूनिवर्सिटीज में, लेकिन या कोई कोई डॉक्यूमेंट मटेरियल ऐसा दे दिया जाए कि वो इजीली उसे देख सके और अपना मसला हल कर सके। जिस तरह मेरी वेबसाइट में देखा जाए तो इसमें फ्रीक्वेंट आस्क कॉन्टैक्ट अस अवेलेबल है जिससे यूजर इजीली अपने इशू को सॉल्व कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा इशू है तो वो कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी से इजीली कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज वेबसाइट रीडिजाइनिंग। इसमें हम लिंग्विस्टिक इवैल्यूएशन को अप्लाई करते हुए हमने अपनी वेबसाइट को जो कि मेरी कंधारा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थी उस पर लिंग्विस्टिक इवैल्यूएशन अप्लाई किया है, वेबसाइट रीडिजाइन की है। दिस इज़ माई रीडिज़ाइनिंग वेबसाइट, जिसमें हमने सबसे पहले जो मेरा इशू था कि गंदारा यूनिवर्सिटी का लोगो क्लियर विजिबल नहीं था और उसकी जो है यूनिवर्सिटी का नेम ठीक से उन्होंने मेंशन नहीं था किया हुआ, बिल्कुल मिड में था ये सब कुछ। उसका नाम, उसका जो लोगो है वो मैंने क्लियर विजिबल किया है, और इसके जो सारे सारे नेविगेशन वगैरह वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे बिल्कुल सारा उन्होंने खराब किया हुआ है। उन्होंने सब कुछ एक एक सब मेन्यू को भी मेन्यू बना के तो लिखा हुआ है, जिसकी वजह से नेविगेशन स्टैंडर्ड जो बहुत ज्यादा रफ यूज हुआ है। इसमें मैंने इसके जो मेन्यूज बनाए हैं वो उन सबको देख के जो फिर बनाए हैं, उसमें मेंशन किए हैं कि इस मेन्यू में ये होना चाहिए, इस मेन्यू में ये होना चाहिए, ताकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गंद ना हो। ये उसका फ्रंट पेज है यूनिवर्सिटी का, जिसमें ऊपर मेन्यू सब मेन्यूज है, नीचे मेन्यूज है, और दरमियान में ये जो है ये उसका स्लाइडर होगा, जिसमें सबसे पहले तो ये लिखा होगा वेलकम टू गंदारा यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, नीचे उनकी पिक्चर्स होंगी और ये सारे जो है वो यूजर को अवेलेबिलिटी होगी, यूजर को फैसिलिटी होगी देखने में, और उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो इसको अपने तौर पे मूव कर सके, अपने तौर पे अपनी कोई भी पिक्चर्स निकालने तो निकाल सके। नीचे वीसी का मैसेज शो होगा, न्यूज सेंटर्स जो भी न्यूज आएंगी उस टाइम की लेटेस्ट न्यूज जो होंगी वो वहां पर स्क्रॉल कर रही होंगी। दरमियान में मैंने सम इम्पोर्टेंट लेटेस्ट न्यूज लाइक मेरिट लिस्ट वगैरह, मतलब कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज होगी जो वो यहाँ पर स्क्रॉल कर रही होगी, मतलब रोटेट कर रही होगी यहाँ पे। एंड यहाँ पर मैंने ऑनलाइन अप्लाई का साइट पे दे दिया है कि अगर यूजर को वहाँ से जर मुश्किल आ रही है, उसको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ से डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई पे भी क्लिक कर सकता है, क्योंकि यूजर जो है उसको जो अगर समझ नहीं आ रही तो फिर ज्यादातर वो यूजर आएंगे यहाँ पर जिन्होंने अप्लाई करना हो, तो उसको जब वो ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेगा तो उसको सारा आगे से प्रोसीजर समझ आ जाएगा। और नीचे मैंने उसके आइकॉन्स दे रही है, शॉर्टकट आइकॉन्स दे रही है फेसबुक व्हाट्सएप के, ताकि उनके जो भी यूनिवर्सिटी की सोशल अकाउंट होंगे वो यहाँ से एक्सेस हो जाएंगे और उनके नीचे सारा एक्सेस होगी। सबसे पहले तो हम गंदारा यूनिवर्सिटी होम पे क्लिक करें तो ये बटन शो होगा। अब हमने गंदारा यूनिवर्सिटी होम पे क्लिक किया तो हमारी विजिबिलिटी ये है कि गंदारा यूनिवर्सिटी होम का जो कलर है उस मेन्यू का वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज साइन इन है, तो साइन इन पे जब हम क्लिक करें तो ये आ जाएगा। साइन इन में जो है वो साइन इन जो है वो होगा उसके लिए, फैकल्टी के लिए, फैकल्टी का यहाँ पर होगा। जैसे हम ये होम पे क्लिक करें तो अगर यहाँ पर क्लिक करें तो साइन इन पे वो आ जाएगा, ठीक है। जाके एलएमएस है तो एलएमएस पे क्लिक करें तो वो हमने कोई चेंज नहीं किया। डॉक्यूमेंट्री ऑफ जीयू है, इसकी डॉक्यूमेंट्री जो है वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई थी, जो कि हमने इस तरह डॉक्यूमेंट्री का अलग से मेन्यू बना दिया, क्योंकि वो रफली होम पेज पे बहुत सेपरेट करके बनी हुई थी और उसको मतलब कि विजिबल भी नहीं था हो रहा कि ये डॉक्यूमेंट्री है, कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर सके, बहुत ध्यान से देखे फिर उसे पता चले ये डॉक्यूमेंट्री की वीडियो है, तो उसका मैंने सब मेन्यू अलग से बना दिया। यहाँ पर सर्च है, होम पे जाएंगे, यहाँ पर सर्च है तो सर्च पे क्लिक करेंगे तो उस गंदारा यूनिवर्सिटी का जो अपना सर्च इंजन बनाए वो अपना, जो कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कोई भी कोई आए तो वो उसको सर्च कर सके। अब जैसे अबाउट अस है,
अबाउट अस में यह है कि अगर वो मेन्यू के ऊपर क्लिक करेगा तो तब उसे यहाँ पर लिस्ट भी शो होगी, सारी जो भी अबाउट अस में होंगे वो यहाँ से भी असेस कर सकता है। अगर वो अबाउट अस के ऊपर क्लिक करे तो वो एक न्यू पेज पे भी ओपन हो जाएगा, और जैसे विजिबिलिटी शो किया कि अबाउट अस जो है वो रेड कलर का शो हो गया कि हम इस टाइम अबाउट अस मेन्यू के अंदर है। मिशन है तो मिशन का नो चेंज क्लिक है, देखिए ठीक है। आगे अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हिस्ट्री में नो चेंज है। मैसेज में जाएं तो ये आगे बीसी मैसेज और पर्सन मैसेज ये जो है ये अलग से मैसेजेस होंगे जो कि ये इनके ऊपर कोई चेंज नहीं किया हुआ। आगे बोर्ड ऑफ कॉर्नर है, इसके ऊपर चेंज नहीं है। ऑनर बोर्ड है, इनके सब मेन्यूज है, इनका कोई चेंज नहीं है। इनके सब सब मेन्यूज बनाए हैं जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बहुत रफ पड़े हुए थे, उनको सबको मैंने मेन्यूज में एक मर्ज कर लिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये भी इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अबाउट अस में ये सब कुछ था। इसके ऊपर अगर यहाँ से सेस किसी को भी करना चाहे जैसे बोर्ड ऑफ कॉर्नर को करेंगे तो ये आ जाएगा नो चेंज, मतलब के इसके ऊपर कोई चेंज नहीं है, वो अंदर से सब ठीक है, लेकिन ये कि मेन्यू इसका मैंने सेपरेट बना लिया। आगे एडमिशन प्रोसेस पे अगर तो वो ऐसे क्लिक करे फिर उसको मेन्यू यहाँ पर भी शो होंगे, और अगर वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो उसको अंदर भी सारा शो होगा। सबसे पहले जब वो अंदर पेज पर जाएगा तो उसको मेन्यू सारे यहाँ पर विजिबल आ जाएंगे साइट पे, और जो सारा एडवर्टाइजमेंट है उस टाइम की सो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पर शो होगी। नीचे कॉन्टेक्ट उसके नंबर्स शो होंगे, नंबर्स वगैरह सारे यूनिवर्सिटी के शो होंगे ताकि अगर यूजर को कोई मसला हो तो वो रब्ता कर सके, कॉन्टेक्ट कर सके अगर उसे नहीं समझ। हाउ टू अप्लाई में देखें तो सारा एडमिशन प्रोसीजर इसमें स्क्रीनशॉट के साथ बताया होगा कि ये चीज़ आएगी तो ये स्क्रीनशॉट लगाया और साथ डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, इस स्क्रीनशॉट पे आपने ये करना हो, ये स्टेप वाइज सारा कुछ दिया हो। जैसे फर्स्ट पे आप लिखें कि यूज़र नेम लिखना तो उसको साइट पे स्क्रीनशॉट दिया हो कि ये यूज़र नेम आपने इस तरह लिखना है, ईमेल एड्रेस ये वाली लिखनी है, पासवर्ड ये वाला लिखना है, इस तरह सारा। आगे कोर्सेज एंड एडमिशन क्राइटेरिया, इसका हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ। नेक्स्ट है ऑनलाइन अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो मैंने इनका फॉर्म वगैरह सारा जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल ठीक है। जो मैंने चेंज किया उसमें मैंने ये किया है कि सबसे पहले क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के कैंपसेस 7 कैंपसेस हैं और ये गंदारा यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशन ही होते हैं, मतलब इसके कैंपसेस में वर्क एडमिशन होते हैं, तो मैंने ये जो अपडेट किया कि उस जो उनका अपना है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कौन से कैंपस में जाना कौन से नहीं, बस रफली रफ पड़ा हुआ है सब कुछ के कौन सा कैंपस है ये है सब कुछ समझ नहीं आ रही उसके अंडरस्टैंड, एक यूज़र जो है जिसको समझ नहीं है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकेगा। तो मैंने इस करने के लिए सबसे पहले ये किया है इसके यूज़र की सहूलत के लिए कि वो सबसे पहले प्रोग्राम अपना चूज करे, मीन के इसके 7 कैंपस हैं और हर कैंपस जो है वो 7, 7 या 8 कोर्सेज हैं, लेकिन कुछ कैंपस 5 दे रहे हैं, कुछ 4 दे रहे हैं, कुछ 3 दे रहे हैं, तो उसके लिए पहले वो प्रोग्राम चूज करे। जो वो प्रोग्राम चूज करेगा उस हिसाब से उसके कैंपसेज आ जाए कि आपने ये प्रोग्राम चूज किया तो ये इस कैंपस में प्रोग्राम आपको अवेलेबल होंगे। अगर वो उस कैंपस को क्लिक करे फिर आप ईमेल एड्रेस लिखे, नेम लिखे, पासवर्ड लिखे और गेट रजिस्टर हो जाए, और गेट रजिस्टर पे जब क्लिक करे तो उसको जो फॉर्म यूनिवर्सिटी का अपना है वो ही सारा हो, उसमें कोई चेंज नहीं किया। गेट रजिस्टर के बाद सारा फॉर्म जो उनका है वो ही शो होगा जो कि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जिसमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एरर प्रिवेंशन हो रही है, सब कुछ उसमें ऑल गुड है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे हमारे ये सारे यहाँ पर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे कर लें, जैसे अप्लाई ऑनलाइन पे या हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करें, इसमें क्लिक कर लें, इस पर क्लिक करें जैसे ये नो चेंज आ जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन पे करें तो ये वाला फॉर्म उसको हो जाएगा। और ये सारे ऊपर मेन्यूज हैं, क्विक लिंक रिसर्च कॉन्टैक्ट अस कैंपस, ये सारे लिंक होंगे, हर पेज के ऊपर सेम नेविगेशन, सेम स्टैंडर्ड, सब कुछ सेम होगा, हायरार्की हर सब कुछ ये सेम होगा, ये सारे लिंक कर रहे होंगे क्योंकि किसी भी वो लिंक पे चला जाए उसको पता होगा वो कहाँ पे है और वो कहीं पे भी जा सकता है, उसे ऐसा ना हो कि हर दफ़ा होम पे जाना पड़े और फिर वो कहीं हो जाए, वो हर दफ़ा कहीं पे भी जा सकता है। एडमिशन प्रोसेस है तो एडमिशन प्रोसेस में इस टाइम तो वो एडमिशन प्रोसेस भी रेड हो गया है कि इस टाइम हम यहाँ पे हैं, और ऑनलाइन अप्लाई पे हैं तो ऑनलाइन अप्लाई भी रेड हो गया है कि हम यहाँ पे, ये हमारी विजिबिलिटी यहाँ पर शो हुई है। अब हम जब होम पे क्लिक करेंगे, इसको बंद करें, अब कैंपसेस हैं,
कैंपसेस पे क्लिक करें तो ये सारी ये यहाँ पर शो हो जाए। इन सारे कैंपसेस का मैंने एक ही फॉर्मेट बनाया कि सारे कैंपस जो पहली यूनिवर्सिटी है उन्होंने कैंपस जो है हर एक जो है वो अलग अलग बनाया हुआ है, मीन के हर एक का कलर स्कीम, हर एक की अंदर से इंफॉर्मेशन सब कुछ चेंज है, लेकिन सबकी एक जैसी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे मैं किसी पर भी क्लिक कर लूँ, यहाँ पर क्लिक करूँ तो ऐसे सबसे पहले जीयू होम, गंदारा यूनिवर्सिटी का होम, आई साइन इन, एलएमएस, ये सारे एक जैसे हों, और नीचे जो है सॉरी लास्ट जी सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये सारे आ जाए, इसके ऊपर सारा बन जाए, अबाउट अस कोर्सेस क्वालिटी के सारे सेम यहाँ पर हो, बिल्कुल सेम उसके ऊपर जैसे गंधारा यूनिवर्सिटी का था वैसे ही हो। नेक्स्ट ये हम करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ एट जेयूपी है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके सारे लिंक्स जो है उसके वो आ जाएंगे यहाँ तक, जब वो क्लिक करेगा तो ये खत्म हो जाएंगे। ये सारा जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की वजह से ऐसा है, इसमें तो इश्यूज हैं कि ये एक एक करके हो रहा है शो, लेकिन वहाँ पर सारे एक ही सारे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे। पॉलिसीज पे अगर क्लिक करें तो उसको आगे ये शो हो, इवेंट्स एंड एक्टिविटीज पे करें तो ये शो हो सारे, सोसाइटीज पे अलग से शो हो और फैसिलिटीज पे अलग से शो हो। यहाँ पर हमने कोई भी इस पे चेंज नहीं किया, जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो नो चेंज है। इवेंट्स एंड एक्टिविटीज हैं तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी कोई भी चेंज नहीं है, ये सारा वैसे ही है। सोसाइटीज में सारा वो है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फैसिलिटीज है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है, सारे इसी तरह बनाए हुए हैं। यहाँ पर हम इसको अब क्विक लिंक्स हैं, क्विक लिंक्स में सारे जो है इसके अबाउट बताए हुए हैं कि जो भी इसको चाहिए तो ये इतना जा करके रिमूव भी हो जाएंगे, अगर उस पर क्लिक करें तो रिमूव हो जाएंगे, उस पर क्लिक करें तो आ जाए। जॉब्स पे करें तो जॉब्स की ये फॉर्म पे पेज ओपन हो जाए जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेपरेट हो और नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर जॉब्स की हो। होम पे जाए, मेरिट लिस्ट पे अगर करें तो मेरिट लिस्ट ऐसे शो हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जो करें, अब डाउनलोड्स हैं तो डाउनलोड्स में ये सारे फॉर्म्स जो हैं यहाँ पर आए, इसमें तो कोई भी चेंज नहीं किया हुआ, इसको डाउनलोड खत्म कर देंगे। एंड न्यूज़ है तो न्यूज़ पे ये हो जाएगा, जैसे अगर न्यूज़ उसे कहीं चाहिए, अकेडमिक अनाउंसमेंट्स हैं तो अगर अकेडमिक अनाउंसमेंट पे क्लिक करेगा तो उसे यहाँ पर ही सारे है ना अनाउंसमेंट पे आ जाएंगे, और नॉन अकेडमिक अनाउंसमेंट पे क्लिक करेगा फिर वो यहाँ पर नॉन अकेडमिक अनाउंसमेंट्स आ जाएंगे। क्विक लिंक पे है हम तो ये इसलिए रेड विजिबिलिटी अपनी शो कर रहा है। रिसर्च है तो रिसर्च का हम पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थी तो उसमें उन्होंने रिसर्च का हर एक मतलब कि ड्राफ्ट सारा बनाया हुआ था, तो हमने रिसर्च का एक अलग अलग से मेन्यू बना दिया, जब उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा रिसर्च रेड कलर का शो हो रहा है आइकॉन, इसका जो मेन्यू है ताकि क्योंकि इस पता हो कि यूजर इस टाइम इस जगह पर मौजूद है। एडवांस स्टडी या रिसर्च बोर्ड है, उसके अपने ये पॉइंट्स हैं जो कि नो चेंज में है। पब्लिकेशंस हैं, नो चेंज में है, सब कुछ ठीक है, बस ये कि हमने एक मेन्यू बना दिया पब्लिकेशन के नाम को, सारी उसमें लगा दी है। ऑरिक है तो ऑरिक पे हम अगर जाएंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो, क्योंकि एक न्यू ये चीज है, ये एक अलग से अथॉरिटी रखता है, इसका अलग से हो, इसका इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हो, बस ये कि ऑरिक का जो है ना उन्होंने सब सारा सेपरेट सेपरेट डाल दिया था, वो मैंने एक इनका बनाया है और उनका बना हुआ था, बस ये कि सब कुछ ऐसे था लेकिन इसका डिस्प्ले चेंज किया और अबाउट के जो है वो सारे ये चेंज कर दिए, बाकी ये उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। अबाउट के मिशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये सारे मेन्यूज इसमें ऐसे रफली पड़े हुए थे कि सारे एक एक करके थे, तो मैंने अबाउट के सब मेन्यू बना दिए। और एक होम पे अगर आना है तो उसको इसे इस पे क्लिक करना होगा, अगर इसमें वापस जाना तो गंदारे ही उसके होम पे क्लिक करे। अब रिसर्च हो गया, एलुमिनी पे क्लिक करना है, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ, बस ये कि इसकी इसका भी हमने डिस्प्ले चेंज किया हुआ है, किस तरह शो हो, यहाँ पर स्लाइडर हो
और ये इसके कोई भी चेंज नहीं किया हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो नो चेंज है, उसके सारे जो हैं वो नो चेंज में आ रहे हैं। एलुमिनी लॉगिन्स हैं तो इसके ये बस एलुमिनी लॉगिन बना के एक मेन्यू, उसके सब मेन्यू में ये दो डाल दिए हैं, बाकी ये भी नो चेंज में है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो ये नो चेंज है। नेक्स्ट क्यूएसी है, इसको कुछ भी नहीं चेंज किया हुआ, इसके सब कुछ ऑल गुड है। नेक्स्ट जो मैंने बनाया कॉन्टेक्ट अस का, उन जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उसमें उन्होंने कॉन्टेक्ट अस जो है वो सेपरेट करके ना सारा अलहदा से डाल दिया हुआ है, मतलब कि कॉन्टेक्ट अस अलहदा, मोबाइल नंबर अलहदा, मतलब कि सारा अलहदा अलहदा है। तो मैंने उसको अलहदा से बनाया, जैसे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें, ये कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया है तो इसकी रेड विजिबिलिटी शो कर रहा है, नहीं कि हम इधर है। इसमें सबसे पहले ये आए, जब कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें तो उसको सबसे पहले यहाँ पर नेम शो हो। जब भी उस मतलब कि यूनिवर्सिटी के कैंपसेस है ना, इसके कैंपसेस है 7, 8, 7, तो कैंपस यहाँ से चूज करें ड्रॉप डाउन लिस्ट से, जो भी कैंपस वो सिलेक्ट करे, सिलेक्ट करते साथ ही उसको यहाँ पर इस फॉर्मेट में सारा शो हो, कैंपस नेम, ऑफिस नेम, ईमेल, फोन नंबर, हर ऑफिस नेम यहाँ पर शो हो, ईमेल, फोन नंबर उसका, और उस कैंपस कैंपस का नाम साइड पे शो होता जाए। अब अगर फैक्ट पे क्लिक करें तो उसमें इस तरह आए सम, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन हो सारे यहाँ पर, क्वेश्चन हो साइड पे, और साइड पे फीडबैक फॉर्म, मैप, सब कुछ भी शो होता है ऊपर, गंदा यूनिवर्सिटी होम, कॉन्टेक्ट अस, मिशन ऑफ यूयू, सब कुछ ऐसे ही शो हो। आप फीडबैक फॉर्म पे यहाँ पर डायरेक्ट वो करें तो इस तरह आ जाए, फीडबैक फॉर्म पे नेम, ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट, अगर फोटो उसने करनी है चूज करें, और सबमिट पे क्लिक करें। जब वो सबमिट पे क्लिक करें तो ऐसे उसको यहाँ पर शो हो जाए। नेक्स्ट अगर हम जहाँ पे जाएंगे तो मैप पे जाएंगे, तो मैप पे क्लिक किया तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी की लोकेशन का मैप यहाँ पर उसे शो हो जाएगा, और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस भी उसे शो हो। अगर होम पे जाए तो ये होम हो, और हर यूनिवर्सिटी की हर एक हर पेज का नेविगेशन सेम हो, कलर स्कीम सेम हो, सब कुछ सेम होना चाहिए ताकि जो है यूजर उसको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ऑनलाइन अप्लाई पे जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, सॉरी, जो होम स्क्रीन पर पड़ा हुआ ऑनलाइन अप्लाई, जब उस पर क्लिक करें तो उसको फिर ये ऑनलाइन अप्लाई का बटन आ जाए। ऑनलाइन अप्लाई, जब एक यूजर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेगा तो उसको ये आएगा, तो वो इजीली समझ आएगा कि यहाँ पर हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगी कैसे अप्लाई करना है, और ये सारा वो समझ आएगा, फिर उसे इजी आहिस्ता आहिस्ता ऐसे वेबसाइट की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम जाएंगे, जो एवेलुएशन हुई है, जो कि नजफ बतूल ने की है मेरी एवेलुएशन वेबसाइट की, जो कि उसने मुझे बताया है कि ये जो लास्ट वेब डेवलपमेंट टीम साइट मैप और ये जो व्हाट्सएप फेसबुक के आइकॉन है ये लिंक नहीं कर रहे, तो ये मैं मतलब लिंक नहीं कर रहे, मतलब कि इसके ऊपर लिंक नहीं है, हाइपर लिंक मैंने दिया हुआ इनको, तो ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैंने इसको नहीं दिया हुआ लिंक। नेक्स्ट उन्होंने जो किया मेरा के जॉब्स क्विक लिंक के हैं, जॉब सब मेन्यू, जॉब मेन्यू, डाउनलोड न्यूज, उन्होंने कहा कि इनको क्लिक करने मल्टीपल टाइम क्लिक, मतलब कि जॉब एक दफा क्लिक किया जॉब आया, दूसरी दफा क्लिक किया मेरिट लिस्ट आया, तीसरी दफा क्लिक किया डाउनलोड आया, फिर न्यूज आया। तो उन्होंने हिस्ट्री के वैल्यूएशन 4 पे किया हुआ है, तो इसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है, जो कि मैंने पहले भी पीछे प्रेजेंटेशन में बता के आई हूँ, ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है कि जब हमने अगर हाइपरलिंक इसके अगर एक मेन्यू के आगे से भी मेन्यू सब मेन्यूज हैं और आपने वो सब मेन्यू डालने हैं ऊपर ही लिस्ट में, तो फिर आपको अलग अलग से बनाना पड़ेगा, तो इसलिए ये अलग अलग से जब हमने बनाया पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में, तो उस वजह से ये एक एक करके हमको करना पड़ रहा है, लेकिन पीछे प्रेजेंटेशन में बताया है और डेवलपर को भी बताया जाएगा ठीक से कि इसको एक ही दफा क्लिक करने पे सारा ये शो हो, और ये जस्ट वेबसाइट की पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की वजह से ऐसे शो हुआ है, वैसे ये शो नहीं होगा। नेक्स्ट उन्होंने जो कहा कि सब मेन्यू शुड शो ऑन द फ्रंट ऑफ मेन्यू प्रीवियस सब मेन्यू प्रेजेंटेड विद नेक्स्ट सब मेन्यू, उनका ये मतलब था कि जब उन्होंने डिग्री फॉर्म के मेरिट लिस्ट पे क्लिक किया है तो उनको सोसाइटी शो हो रही है,
लेकिन उनका ये उनको उन्होंने क्लिक करने में ये इशू कर दिया है कि जब उन्होंने क्लिक किया मेरे लिस्ट पे या डाउनलोड्स पे, तो उन्होंने पहले पहले वाले मेन्यूज को डिसअपेयर नहीं किया, मीन के जैसे लाइफ एट जेयूपी में थे ये सारे मेन्यूज, पहले उसे मेन्यूज उन्होंने क्लिक किए तो उन्हें उसी पे क्लिक करके डिसअपेयर करने पड़ेंगे पहले, फिर वो न्यू मेन्यूज खोल सकेंगे, क्योंकि इस पावर पॉइंट ये और ये भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की वजह से है। नेक्स्ट जो है उन्होंने कहा कि ये विजिबिलिटी शो नहीं हो रही कि कहाँ पे है यूजर, उसको पता नहीं होगा, तो ये भी मैं नॉन एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि यूजर को अंडरस्टैंड हो जाएगा जब कॉन्टेक्ट अस पे आएगा उसको रेड कलर का शो होगा, और यहाँ पर ये इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हाइपर लिंक जो है ब्लू कलर का है और उस पर क्लिक किया है, तो वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ब्लू कलर का ही रहता है, वो रेड नहीं हो रहा हाइपर लिंक की वजह से। लेकिन बार बार पीछे बता के आई हूँ कि इसकी विजिबिलिटी ये होगी कि कॉन्टेक्ट आस जिस मेन्यू पे भी वो जाएगा वो रेड कलर का शो हो जाएगा, और यहाँ पर वो कलर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन नहीं तो कॉन्टेक्ट आस रेड कलर में ही है। सेल्फ क्रिटिसाइजमेंट जो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे किया, मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को, वेबसाइट काफ़ी लंबी थी, इसके कैंपसेस से कैंपसेस पे काम किया, उस पर सारा ये जो किया है सब कुछ जो भी है वो कवर जितना भी कर सके पॉसिबल कवर किया, लेकिन कुछ पॉइंट जो मुझे लगता है कि होने चाहिए इसमें ये कि मल्टीपल लैंग्वेजेस वैसे भी यूनिवर्सिटी पर गिवन है लेकिन वो वर्क नहीं कर रही, तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जितने भी लैंग्वेजेस मल्टीपल लैंग्वेजेस होने चाहिए, मीन के जो पाकिस्तान के रिलेटेड पाकिस्तान में जो भी लैंग्वेज है वो वहाँ पर लैंग्वेज होनी चाहिए, ताकि एक यूज़र जो है कोई भी लैंग्वेज वहाँ पर अपनी लैंग्वेज लगा के सेलेक्ट करके तो वो वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सके इजीली। बाकी जो दूसरी थर्ड सेकंड पॉइंट है वो मेरा ये था कि यूनिवर्सिटी के सोशल अकाउंट ज़्यादा होना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी के सोशल अकाउंट ज़्यादा नहीं है, जस्ट फेसबुक का पेज है वो भी वर्क नहीं कर रहा, तो इसमें ये जो वर्क नहीं कर रहा इसमें ये कि अपडेट नहीं आ रही, लेटेस्ट अपडेट नहीं आ रही, तो इसमें यह है कि सोशल अकाउंट इसके ज़्यादा होना चाहिए और सोशल सर्कल इसका ज़्यादा हो, ताकि इसकी नोटिफिकेशन इसकी न्यूज़ इसकी वेबसाइट्स का ज़्यादा से ज़्यादा पता चले यूज़र्स को। नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन जो भी हो उस टाइम से, कोई भी हम वेबसाइट ओपन करें गंदारा यूनिवर्सिटी की या कोई भी, तो इसका गंदारा यूनिवर्सिटी में मैंने ये देखा कि इसमें सबसे पहले मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि जब भी वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन करे तो उस टाइम की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है नोटिफिकेशन है वो उसे पॉपअप में शो हो, जैसे फी सबमिट करवानी है, एडमिशंस ओपन है या आपकी मेरिट लिस्ट ओपन हो रही है, इस तरह का पॉपअप लाजमी ऊपर शो होना चाहिए, और साथ पे ऑप्शन भी दिया चाहिए डोंट आस्क अगेन, अगर तो यूजर के रिलेटेड नहीं है तो डोंट आस्क अगेन कर दे, अगर उसके रिलेटेड है तो वो उसको पढ़ लेगा उससे पहले पहले। नेक्स्ट ये कि ग्राफिक्स यूनिवर्सिटी की, इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में ग्राफिक्स ज्यादा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ग्राफिक्स होने चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ग्राफिक्स में भी और कॉन्टेक्ट में भी, ग्राफिक्स बैलेंस होना चाहिए कि यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सके समझ सके, ज्यादा कॉन्टेक्ट होगा तो यूजर नहीं समझ सकता चीज़ों को, अगर ग्राफिक भी होगा तो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगी ये इस रिलेटेड बात की जा रही है। आगे वर्चुअल टूर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जिसका मैंने मेन्यू भी अलग से बना दिया है, लेकिन उसका वर्चुअल टूर नहीं है, सो आई थिंक वर्चुअल टूर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पे होना चाहिए। सो दीज आर माई वेबसाइट, थैंक्स अ लॉट।